हम मिलेंगे साइतामा ग्रुप से। नीले समुद्र के सामने मैं खड़ी हूँ रूको। मैं हूँ ओजिन, नीले आकाश के नीचे। सफेद बादलों के बीच में मैं हूँ मैरी। और हम हैं साइतामा स्कॉर्पियन टीम के मेंबर। मैं हूँ टीम लीडर। क्या? हमने तुम्हें अपना टीम लीडर कब बनाया? बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए थी, इसलिए मैं अपनी मॉम डैड के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। नहीं, तुम हमें परेशान करने आए हो। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए ट्रेनिंग शुरू करें। लेकिन हम तुम्हें अपने कैंप में क्यों लेकर जाएं? हमें गाना सुनाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे हमारे ओनर आ गए हैं। वो कौन है? हेलो सर। हेलो सर। तुमको दुकान छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माफ करें, हमने दुकान को जानबूझकर खाली नहीं छोड़ा। अब फिक्र मत करिए सर, आज हम सब मिलकर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। क्या हम सब तैयार हैं? तुम चुप करो। हमें परेशान करना बंद करो। सुनो लड़के, तुम अपने मॉम और डैड के पास जाओ, समझे? क्या इसे जानते हो? जी हाँ। बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ है, अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ जरूर आना। सर को इसे यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा और ये कस्टमर्स को परेशान भी करेगा। सर बेहतर होगा कि इसे यहाँ ना बुलाएं। क्या कहे? मैं आप लोगों का लीडर नहीं, ये सुनकर मुझे दुख हुआ। तुम यहाँ से चले जाओ। अब भी वापस घूमने जा रहे। बात तो ठीक है, शायद ये हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा और इससे काम पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर आप फिक्र मत कीजिए, आज हम रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स लाएंगे, क्यों है ना? अभी यहाँ काम काफी कम है और हमें काम और साथ ही कस्टमर्स की काफी सख्त जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। क्या हम सब तैयार है? तैयार है। हम अपनी जादू से ये जगह कस्टमर से भर देंगे। सही कहा। तुम अभी तक यही हो? मेरे लिए चाउमीन लाइए। जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं लूंगा हाका नूडल्स। ओके। माफ कीजिए, ये कुछ भी बोले जा रहा है। वो इस तरह से बात करती है कि कस्टमर्स भाग जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। इस तरह से मदद करते हैं क्या? तो फिर कैसे मदद करते हैं दीदी? हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। यहाँ रुको। ये जगह कितनी अच्छी है ना? क्या आप लोग हमारे रेस्टोरेंट में लंच करना चाहेंगे? अच्छा बताओ, हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा ठीक है, अगर फिर भी हमें डिस्काउंट मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। जब मैंने कहा कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो तुम बार बार डिस्काउंट की बात क्यों कर रहे हो और उस पर आइसक्रीम फ्री मांग रहे हो? चले जाओ यहाँ से। इनकी बातों के लिए हमें माफ कीजिएगा। ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। मैं सही कर रही थी, तुम मुझे लेकर क्यों आ गई? तुम्हें कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कस्टमर्स नहीं आते। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें उनसे ठीक से बात करनी चाहिए थी, समझ आया? आइए 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 आइए, प्लीज बैठिए, आप सभी का स्वागत है। सुनो, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। फ्री आइसक्रीम खाने को मिलेगी। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी बेटा। तुम जाओ और इस लड़के को आइसक्रीम खिलाकर लाओ, समझ रही हो ना? मैं कोई कस्टमर नहीं ला पाती, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनिए। आप चाहे तो अच्छा सा गाना गाकर नए नए कस्टमर्स बना सकती हैं। क्या कह रहे हो, मुझे गाना गाना नहीं आता। एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर अपनी स्कॉर्पियन टीम के लिए अच्छा सा फ्लैग बनवाऊंगी। क्या कहा, भालुओं की टीम? भालुओं की टीम नहीं, स्कॉर्पियन टीम, स्कॉर्पियन टीम। और ये फ्लैग मैं जल्द ही बनवाऊंगी, इस फ्लैग को सब देखते रह जाएंगे। तो ये हमारे पैसों से फ्लैग बनवाने वाली है। मुझे लगा हम तीनों के लिए मोबाइल फोन खरीदेगी। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, परेशान मत करो, समझ गए? अरे दीदी, मैं आपके साथ इसलिए ही तो आया हूँ क्योंकि मुझे अपने डैड नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहे? शायद वहाँ ही। अरे डैड। अरे ये आपके चेहरे को क्या हो गया? डैड आपको क्रीम लानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। मैंने तो आपसे कहा था हैरी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने तो उस बात को मजाक में लिया ना। मैम कहना पड़ेगा, इस हैट में आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। क्या कहा, हैट में? वैसे क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। दीदी लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अब यहीं पर रहना। दीदी प्लीज मुझे आपकी मदद करनी दीजिए ना, प्लीज। ये रहे नूडल और फ्राइड राइस। ठीक है। अरे रियो को कहाँ रह गई? सर वो बस आती ही होगी, वो आ गई। लीडर आपका काम पूरा हो गया है क्या? उसकी फिक्र मत करो,
वैसे रेस्टोरेंट में काफी भीड़ है, आज हमारा सेल्स टारगेट पूरा हो जाएगा। चलो बहुत हो गई बातें, अब काम पर लग जाओ। ठीक है, ये लीजिए। तो ये बात है, 5 सेकंड पहले आपने पानी का ऑर्डर दिया और अभी तक नहीं आया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी ना सही, लेकिन मैं कस्टमर्स की तो मदद कर सकता हूँ ना दीदी। तो आप लोगों को ध्यान से सोचना चाहिए कि आप क्या खाना चाहते हैं, एक डिश या 3 डिश, आप फैसला कीजिए। जब आप लोग ऑर्डर डिसाइड कर लें तो मुझे बुला लीजिएगा। तुम मुझे बार बार परेशान करने क्यों आ जाते हो? अरे दीदी, ये तो मैं सब हमारी टीम के लिए ही तो कर रहा था। तुम टीम के मेंबर नहीं हो। मैम कहती है सबकी मदद करनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें कहा मुझे मदद नहीं चाहिए तो क्यों कर रहे हो? सर, मैं तो बस आ ही रही थी। तुम दोनों की लड़ाई में मेरे कस्टमर्स कम हो रहे हैं। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि वो छोटा लड़का तुमसे ज्यादा कस्टमर्स लाता है। आप सबका यहाँ स्वागत है। अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या खाना चाहेंगी? कुछ स्पाइसी या फिर आपको जूस पीना है? दीदी, हमारी स्पेशलिटी है एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्या बात है, इसकी स्माइल ने तो कस्टमर्स की लाइन लगा दी। वाकई बिजनेस में स्माइल बहुत जरूरी होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी स्माइल कर सकती हूँ। आप इस हंसी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम अपना काम करो।